उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से, जहां से बेहद अफसोसनाक खबर सामने आई है। यहां तहसील प्रशासन पर एक झोपड़ी में आग लगाने का आरोप है, जिसकी जद में आने से मां बेटी की जिंदा जलाकर मौत हो गई है। दोनों को बचाने की कोशिश में परिवार के मुखिया भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक तहसील प्रशासन के लोग एक मंदिर गिराने पहुंचे थे, इसी दौरान उन्होंने झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया। अंदर मौजूद कुछ लोग जान बचाकर भागे, लेकिन मां बेटी आग में घिर गई और दोनों की मौत। पीड़ित परिवार लेखपाल और SDM पर आरोप लगा रहा है। उसका कहना है कि कुछ और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से रंजिशन आग लगाकर दो लोगों की हत्या की गई है। इससे पहले जनवरी महीने में पीड़ित परिवार का मकान गिरा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने DM से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई थी। DM से 3 दिन में न्याय का भरोसा भी मिला था, लेकिन प्रशासन से कोई राहत नहीं मिली और अब ये मामला सामने आया है। SDM लेखपाल, अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिटकुआरा, ब्रजेश निर्मल, मिल के आके सब लगा दी घर में आगी। मैं लोग अंदर रहते, हम निकल पाए केबल पर और पापा जला के आगी लगा दी। मंदिर अंदर भी तोड़ा है क्या? मंदिर तोड़ दी, नल तोड़ दी, सब पेड़ सब गिरा के आगी लगा के ही मम्मी से मिट्टी लाई। इसके पहले आप DM के आ गए तो क्या हुआ? सब कुछ सुनवाई नहीं भाई, उल्टा ही होगा। DM सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की। आपकी माँ बहन जल रही थी तो प्रशासन कहाँ था? भाग गए, डील के भाग गए, सब कुछ नहीं को देखो लगना ही, सब भाग गए। हम घुसे अंदर तो ना ही निकाल पाए, जब अंदर जितना वजन रहा उठा ही नहीं पाए। ठीक, ना ही निकाल पाए। और हमारे सहयोगी अरुण अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, बेहद शर्मनाक हादसा है, अफसोसजनक खबर सामने आई है, किस तरह से प्रशासन की ओर से इस पर सफाई सामने आई है? कानपुर देहात के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो मौके पर है इस समय, प्रशासनिक कमिश्नर राजशेखर जी मौके पर है, और इस समय ताजा अपडेट ये है कि दोनों माँ बेटी के शव अभी घटना स्थल पर ही पड़े हैं। गांव वाले उस शव को उठने नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक इन दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम डेड बॉडी नहीं उठने देंगे। बाद में दोनों बड़े पुलिस अधिकारियों ने समझाया और ये एक आश्वासन दिया कि आप लिखित तहरीर दीजिए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो गांव वालों ने भी 10 मिनट पहले लिखित तहरीर दी है, उसमें लेखपाल और जिन SDM लोगों के ऊपर सबके आरोप लगाए वो लिखित आरोप दिए हैं, और प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि अब सुबह पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जांच होके जो दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गीता जी, जी अरुण, जैसा कि हमने खबर में दिखाया अपने दर्शकों को कि जनवरी महीने से ही पीड़ित परिवार का जो मकान था पहले गिरा दिया गया था, वो पहले DM के पास गए, लेकिन कोई उनको इस पर प्रशासन की ओर से कोई राहत नहीं मिली, और अब ये खबर सामने आना, गांव वालों का गुस्सा जायज है और जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं। देखिए, गांव वालों का ये कहना है कि कानपुर देहात में देहात महोत्सव मनाया जा रहा था, पूरा प्रशासनिक अमला DM वगैरह सब उसमें बैठे थे, किसी ने इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज अचानक SDM महोदय पुलिस फोर्स के साथ आए और इनके मकान को गिराने लगे। जिस समय मकान गिरा रहे थे उसी समय उनकी झोपड़ी जहां वो बना के रह रही थी वहां तेज से डब्बे निकलने लगी, तो इससे प्रशासन पूरा घबरा गया और अपनी गाड़ियां वगैरह छोड़ छोड़ के भागने लगा। फिर गांव वालों ने उनको दौड़ाया भी कुछ दूरी तक, लेकिन वो सब लोग भाग गए और पुलिस उनके साथ थी, वो लोग भी चले गए। उसके बाद गांव में कोहराम मच गया और अभी भी स्थिति शांतपूर्ण नहीं है।